हमारे देश में एक रुपये के सिक्के की कोई वैल्यू नहीं समझता। कई देशों की करेंसी के मुकाबले भारतीय रुपया काफ़ी कम है, जबकि कुछ ऐसे देश हैं जहां भारतीय रुपये की वैल्यू आपकी सोच से कहीं ज़्यादा है। आप सोच भी नहीं सकते कि एक भारतीय रुपये की वैल्यू कुछ देशों में कई सौ रुपये के बराबर है। उन देशों में जाकर भारत का गरीब से गरीब इंसान भी अमीर बन जाएगा। अक्सर आपने अपने आसपास के लोगों को कहते सुना होगा कि एक रुपये में आजकल कुछ नहीं मिलता, लेकिन इसी एक रुपये को अगर आप किसी अन्य देश में लेकर चले जाएं तो शायद आपको बहुत कुछ मिल सकता है। यहाँ तक कि आप उस देश के अमीरों की सूची में शामिल हो जाएंगे। आज हम आपको कुछ ऐसे देशों के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ की करेंसी भारतीय मुद्रा की तुलना में बहुत कमजोर है। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि एक रुपये की कीमत 592.73 रुपये हो सकती है? लेकिन ये सच है। भारत का एक रुपया ईरान में जाकर 592.73 ईरानी रियाल के बराबर हो जाता है। बता दें कि ईरान की करेंसी रियाल है। ईरान इराक युद्ध, इजराइल पर हमला तथा ईरान सरकार ने दुनिया को न्यूक्लियर वेपन की धमकी दी थी। इस बीच विश्व की महाशक्तियों ने ईरान को आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंधों के लिए मजबूर कर दिया। इसी वजह से ईरानी रियाल दुनिया की सबसे खराब मुद्रा बन गई। आज ईरान की मुद्रा पूरी दुनिया की सबसे कमजोर मुद्राओं में पहले नंबर पर है। ईरान के बाद वियतनाम की डोंग दुनिया की सबसे कमजोर करेंसी है। एक भारतीय रुपया वियतनाम में जाकर 310.7 वियतनामी डोंग के बराबर हो जाता है। अभी भी वियतनाम में केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था प्रकार से बाजार तक एक कठिन मार्ग पर है। इसकी वजह से इस देश की मुद्रा आज लगभग अवमूल्यन पर है। फिलहाल वियतनाम की डोंग सबसे खराब मुद्राओं की सूची में दूसरे नंबर पर है। काफी मुश्किलों से गुजर रहा वियतनाम की करेंसी आज काफी कमजोर हो गई है। इंडोनेशियाई रुपया दुनिया की सबसे खराब करेंसी में तीसरे नंबर पर आता है। भारत का एक रुपया इंडोनेशिया में जाकर 195.91 इंडोनेशियाई रुपया के बराबर हो जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित इंडोनेशिया आर्थिक रूप से स्थिर और विकसित देश है। इसके बाद भी इसके पैसों की दर बहुत कम है। राष्ट्रीय मुद्रा को मजबूत करने के लिए देश के नियामक प्राधिकरण सभी उपाय कर रहे हैं, हालांकि उनके सभी प्रयास सिर्फ महत्वहीन परिवर्तन की ओर ले जाते हैं। इंडोनेशिया की मुद्रा काफी कमजोर होने के कारण यह देश टूरिज्म का एक अच्छा विकल्प बन गया है। भारत के ज्यादातर लोग इंडोनेशिया में जाकर अपनी छुट्टी बिताना पसंद करते हैं। आई होप यू गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।